ठीक है ना। भारतीय जय हिंद पार्टीच्या वतीने
आज इकडे 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 आज आमच्या संपूर्ण भारतातल्या शेतकऱ्यांचा आज संयम तुटलेला आहे। याला सर्वस्वी जबाबदार हे केंद्र सरकार नरेंद्र सिंग तोमर आणि नरेंद्र मोदी यांचं सरकार आहे। आज आम्ही भारतीय जैन पक्षाच्या वतीनं मी पक्षाचे अध्यक्ष बाळासाहेब भोसले आणि माझे तमाम आणि हिंद सैनिक कार्यकर्ते आणि महाराष्ट्रातले आणि भारतातले तमाम शेतकरी आणि सर्वसामान्य आज रस्त्यावरती उतरले, कारण आज जे काही 72 दिवसापासून आज देशामधले जे पूर्ण 3 सिंधू बॉर्डरवरती जे बॉर्डरवरती शेतकरी बसलेले आहेत तर त्याचा अपमान करण्याचं काम या मोदी सरकारतर्फे चालू आहे। माझा स्पष्ट असा आरोप आहे की या गेंड्याच्या कातडीच्या मोदी सरकारने जसं पेट्रोलचा भाव वाढवून GST नोटबंदी करून त्याप्रमाणे सर्वसामान्यांना संपवण्याचा घाट जो घातलेला आहे, आता त्यांचं लक्ष त्यांचा डोळा हा शेतकऱ्यांकडे मोदी सरकारचा आलेला आहे। अदानी आणि अंबानीनं हा देश विकण्याचा घाट या मोदी सरकारने घातलेला आहे। त्यामुळं भारतीय जैन पक्षाच्या वतीनं आणि तमाम भारतातल्या तमाम शेतकऱ्यांच्या सर्वसामान्यांच्या वतीनं आम्ही जाहीर निषेध करतो, त्यामुळे हा रास्ता रोको आहे। मोदी सरकार मुर्दाबाद रोको करने की वजह है मोदी सरकार है। मोदी सरकार ने जो 72 दिनों से हमारे किसान भाई बहन जो दिल्ली के बॉर्डर पे भारत के तमाम शेतकरी बांधो किसान बांधो जो अनशन में बैठे हैं केंद्रीय कृषि कायदा रद्द करने की वजह से, तो इसके निषेध में कृषि कायदे के निषेध में हम लोग ये रास्ता रोको भारतीय जैन पक्ष के वतीने तरफ से कर रहे हैं। मैं भारतीय जैन पार्टी का एक अध्यक्ष ये नाते से मेरे तमाम कार्यकर्ता वर्ग और मेरे तमाम शेतकरी बांधो के तरफ से मैं आंदोलन कर रहा हूँ। इसकी वजह ये मोदी सरकार और नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री है यही उनकी वजह है। आज हमारे किसान भाई बहनों का और शेतकरी बांधवों का संयम जो कुछ हमारा एक लिमिट है वो टूट गए और आज हम ये दिखाना चाहते हैं कि किसान भाई बहन अकेले नहीं है। अगर एक केंद्रीय कृषि कायदा रद्द किया गया नहीं तो आगे चल के हम लोग मोदी सरकार को नीचे खींच लाएंगे और निवडणूक के ऊपर और इलेक्शन के ऊपर बहिष्कार डालेंगे और अपन अंबानी आदानी के घर में घुस के उसको छोड़ेंगे नहीं। अगर किसान हमारे जो अन्नदाता है अगर रास्ते पे आए तो मोदी को अंबानी आदानी को भी हम रास्ते पे लाएंगे।